नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो लाइब्रेरी की क्लास है। देखो दोस्तों, इससे पहले हमारी लाइब्रेरी की 5 क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाकर भी आप जो लाइब्रेरी से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। आज दोस्तों बात करेंगे पुस्तकालय समिति और जो पुस्तकालय का संगठन है इसके बारे में। दोस्तों कोई भी संस्था है, कोई भी अगर संस्था है तो बिना किसी संगठन, अभी संगठन क्या है कि जो कर्मचारी है और उसमें जो काम करने वाले जो और अन्य आदमी है वो सारे मिलकर के एक तरह से संगठन का निर्माण करते हैं। तो वो संगठन ही क्या है, किसी भी संस्था को चलाने के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एक तो होता है वित्त। जब वित्त की व्यवस्था हो जाती है उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो कौन सी आती है, संगठन में जो कर्मचारी वो क्या है इसके लिए महत्वपूर्ण आवश्यक एक तरह से क्या है चलाने के लिए हो जाते हैं। अब समिति क्या करती है, इसमें संगठन हो गया कर्मचारियों का संघ और समिति क्या हो गया, समिति में भी क्या होती हैं वही कर्मचारीगण होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं पुस्तकालय के संचालन निर्देशन और साथ में जो अन्य इसके लिए जो चीज़ें जरूरत होती हैं जैसे एडम का संबंध देखना है और देखना है, ये सारे जो पुस्तकालय समिति क्या करती है इसका निर्णय लेती है। जैसे हम बात करें इसकी अगर आवश्यकता की, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसे पुस्तकालय समिति की हम बात कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता नीड्स नीड्स की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि एक तो देखो ये पुस्तकालय को क्या करती है संरक्षण प्रदान करती है भाई, यही ओवरऑल मैनेजमेंट, क्योंकि समिति है वो हर एक चीज़ों में होती है। जैसे स्कूल के बारे में बात करें तो स्कूल में भी क्या होती है समितियाँ होती हैं, स्कूल को कैसे मेंटेन करना है कैसे ऑपरेट करना है, वैसे लाइब्रेरी के लिए भी समितियाँ होती है। साथ ही ये क्या करती है नीतियों का निर्धारण करती है, जो लाइब्रेरी से संबंधित जो नीतियाँ उनका क्या करती है समिति निर्धारण करती है। फिर क्या करती है जो धन संबंधी इसकी आवश्यकताएँ जो वित्त संबंधी जो आवश्यकताएँ उनका आकलन करती है कि कितना बजट हमें चाहिए, कितना हमें इस साल मंगवाना, इस सारी जो चीज़ें हैं वो ये कौन करती है पुस्तकालय समिति ही करती है। इसके बाद बात करें कि इसके जो ग्रंथालय की जो बागडोर है वो एक तरह से किसके हाथ में होती है, वो समिति के ही हाथ में होती है। जो भी निर्णय लेती है वो कौन लेती है लाइब्रेरी से संबंधित, ये पुस्तकालय समिति ही लेती है। फिर आय और व्यय में सामंजस्य बिठाना ये भी किसका काम है, पुस्तकालय समिति का ही काम है। इसके बाद जैसे अगर और कोई चीज़ों की बात करें, जैसे कोई भी पुस्तकालय है वो ज़्यादा तरक्की कर कब कर सकता है, जब उसका जो नेतृत्व है और जो संचालन है वो क्या है एक तरह से कुशलतापूर्वक हो, तभी वो क्या है पुस्तकालय ग्रोथ कर सकता है। तो ये कुछ उसकी आवश्यकताएं थी कि हम पुस्तकालय समिति की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, कोई वैसे खास इसमें चीज़ें हैं नहीं है। फिर इसकी बात करते हैं हम पुस्तकालय समिति की कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों क्वेश्चन आप ये मान के चलो पुस्तकालय समिति में क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, चाहे वो राजस्थान जो अधीनस्थ बोर्ड की उसकी एग्ज़ाम हो, चाहे KVS लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम हो, और जो अगर BLIV वगैरह भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्या है चैप्टर काम का है। तो अब जैसे प्रकार की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम जैसे स्वयं की समिति, तो स्वयं की समिति जैसे इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस समिति का जो सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था, दक्षिणी अफ्रीका के शहर केपटाउन में हुआ था, 1893 के अधिनियम 33 के अधीन हुआ था। इस प्रकार के अधिनियम में देखो क्या होता है, जो पुस्तकालय है जो पुस्तकालय के जो एक्ट होते हैं रूल होते हैं कानून होते हैं उनके अनुसार वो समितियाँ क्या करता है स्वयं ही बना लेता है, खुद बना लेता है, इसीलिए क्या स्वयं की समितियाँ भी इसे क्या कहते हैं, यानी लाइब्रेरी अपने एक्ट जो उसकी SOP है उसके अनुसार अगर वो जो काम करता है तो वो क्या हो जाती है ये स्वयं की समितियाँ होती है। फिर उसके बाद दूसरी समितियों की बात करें जो इसे बात करें तदर्थ समितियाँ, तो तदर्थ समितियाँ क्या होती हैं कि ये कार्यों के वही बात है कि कार्यों के निरीक्षण और नियंत्रण के लिए बनाई जाती हैं, निरीक्षण और नियंत्रण के लिए सारी समितियाँ यही काम करती हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी बात वो क्या है, ये स्थानीय निकाय से जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे क्या होती है ये स्वतंत्र होती है, अगर उनसे स्वतंत्र होती है तो जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो क्या होता है इनके ऊपर कम रहता है, जो स्थानीय संस्थाएं उनसे स्वतंत्र होगी तो पॉलिटिकल प्रेशर क्या होता है ऑटोमेटिक ही डाउन हो जाता है। तो ये मद्रास वगैरह जो हैं इनमें क्या है इस प्रकार की प्रणालियों का चलन है। फिर बात करें जैसे नामित या निर्वाचित प्रणाली, तो इस तरह की जो समितियाँ आती है वो किसी समिति द्वारा क्या हो जाती हैं निर्वाचित की जाती है, जैसे कोई सार्वजनिक पुस्तकालय उसकी अगर हमें समिति बनानी है जो, तो वो समिति कौन बनाएगा, जो कुछ चुनिंदा व्यक्ति हैं जैसे गांव के जो चुनिंदा व्यक्ति हैं वो उसकी क्या बनाएंगे समिति
बनाएंगे। इसके बाद और कई इसकी समितियाँ होती है, जैसे सूचनादायी समिति होती है एक, कुछ और जैसे बात कर लेते हैं, इनको ज़्यादा खास आपको ध्यान में नहीं रखना है। जो बिली वगैरह हैं उनके लिए तो ये खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सूचनादायी समितियाँ हैं, सूचनाओं का काम करती है, जो उच्च अधिकारी को सूचनाएँ भेजती है, उपलब्ध करवाती है। इसके बाद जैसे परामर्शदाता समिति है, ये भी क्या करती है, परामर्श देती है, सजेशन देती है, रिकमेंडेशन देती है। फिर कार्यकारिणी समिति, इसके बाद जैसे और समितियाँ आती है, जैसे पुस्तक चयन समिति। पुस्तक चयन दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके हम बात इसमें आगे बात करेंगे कि पुस्तक चयन से संबंधित देखो कई सिद्धांत भी हैं पुस्तक चयन के, और कैसे कैसे पुस्तकों का चयन होता है, कौन से उपकरण इसमें काम में लिए जाते हैं, उपकरण से संबंधित जैसे सिद्धांत। उपकरण वैसे कोई काम उपकरण नहीं होते, सिद्धांत कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, इनके बारे में हम आगे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज तो समितियों की थोड़ी देख लेते हैं कौन कौन सी समितियाँ। फिर जैसे वित्त की समिति हो गई, वो धन से संबंधित होती है। और भी जैसे कर्मचारियों के, जैसे अब समिति का कर्मचारी अगर कर्मचारियों का चयन करना है तो वो कौन सी हो जाएगी, कर्मचारी चयन समिति। ऐसे कई प्रकार की समितियाँ इसमें होती है। अब हमारा जो मुख्य मुद्दा वो क्या है, जैसे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे जो क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे, वो इस प्रकार के बनते हैं। जैसे ग्रंथालय जो लाइब्रेरी है उसकी समितियों का गठन जो किया जाता है, जैसे स्कूल कॉलेज लेवल के ऊपर या विश्वविद्यालय लेवल पर, तो उनमें कौन कौन अध्यक्ष होते हैं, कौन कौन सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर विश्वविद्यालय ग्रंथालय समिति की, तो इसमें देखो अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष होगा आपका विश्वविद्यालय का कुलपति। दोस्तों ये आपको चीज़ें सारी ध्यान में रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको आप मान के चलो पक्का आएगा इनमें से। फिर अगर सचिव की बात करें दोस्तों, यहाँ ये ध्यान रखना, सचिव होता है जो लाइब्रेरियन होता है, वो क्या होता है, सचिव होता है विश्वविद्यालय ग्रंथालय का लाइब्रेरियन। और सदस्यों की बात करें तो विभिन्न संकायों के जो तीन अध्यक्ष हैं वो, तो आपको इन दोनों में से ध्यान रखना है कि अध्यक्ष कौन होता है और साथ में सचिव कौन होता है। ये थी विश्वविद्यालय लाइब्रेरी से संबंधित। और बात करें जैसे महाविद्यालय ग्रंथालय समिति, यानी जो महाविद्यालय में लाइब्रेरी होती है उसमें जो समिति बनाई जाती है उसमें अध्यक्ष कौन रहता है, सचिव कौन रहता है। तो अध्यक्ष की बात करें तो जो कॉलेज का प्रिंस जो प्राचार्य है वो क्या रहता है, इसमें अध्यक्ष रहता है। और साथ में अगर सचिव की बात करें तो सचिव जो महाविद्यालय का लाइब्रेरियन है वो क्या रहता है, इसमें सचिव रहता है। ज़्यादा खास इसमें कोई है नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है अध्यक्ष और सचिव में अंतर क्या है, कौन इसका अध्यक्ष होता है और कौन इसका सचिव होता है, इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। फिर विभिन्न विभागों के कुछ अध्यक्ष वो क्या रहते हैं, इसके सदस्य रहते हैं। फिर हम बात करें सार्वजनिक ग्रंथालय समिति के गठन के बारे में, तो सरकार का कोई अधिकारी या जो लोकल अथॉरिटीज है जो स्थानीय निकाय है उनका कोई अधिकारी क्या रहता है, इसमें अध्यक्ष रहता है। और सचिव कौन रहता है, जो लाइब्रेरियन है वो क्या रहता है, इसमें सचिव रहता है। और जो सदस्य सदस्य अब सार्वजनिक लाइब्रेरी है तो सदस्य कौन रहेंगे, इसमें समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति। और अगर स्कूल लाइब्रेरी के बारे में बात करें तो स्कूल लाइब्रेरी का देखो अध्यक्ष कौन हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा आपका स्कूल का प्रधानाचार्य या हेडमास्टर जिसको कहें, अगर प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल। और जो सचिव कौन हो जाएगा, हेड लाइब्रेरियन। और जो सदस्य की बात करें तो सदस्य इसमें कौन हो जाएंगे, टीचर्स हो जाएंगे। और फिर क्या कुछ स्टूडेंट्स को भी क्या इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो ये तो थी जो ग्रंथालय की समितियां उनके बारे में। अब बात करें जैसे पुस्तकालय संगठन, पुस्तकालय संगठन वो ये कि कर्मचारियों के समूह को क्या कहते हैं, एक तरह से पुस्तकालय संगठन कहते हैं। अभी हमने ऊपर चर्चा कर ली इसके बारे में। फिर देखो पुस्तकालय समितियाँ जो नेशनल लेवल के ऊपर बात करें तो अभी तक कौन कौन सी गठित हो चुकी हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो याद रखने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लाइब्रेरी से संबंधित समितियाँ हैं तो सबसे पहले आपका देखो कौन सा हो जाएगा, लाइब्रेरी कमेटी हो जाएगी। अब लाइब्रेरी कमेटी हो जाएगी तो भारत में जो विकास है लाइब्रेरी का, उस किसके द्वारा, जो आंदोलन के जनक, पुस्तकालय आंदोलन के जनक तो होते हैं शिवाजीराव गायकवाड़ द्वितीय, लेकिन पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है इसमें भारत में, तो वो हैं दोस्तों यही है। तो कोई भी अगर प्रथम समिति गठित हुई हो तो वो आपको सीधा सा ध्यान में हो जाएगा कि किसके अध्यक्षता में गठित हुई थी, डॉक्टर श्री एस आर रंगनाथन साहब की अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी। अब देखो लाइब्रेरी कमेटी गठित हो गई, कमेटी गठित होने के बाद क्या इसकी रिव्यू भी बना दो कि क्या क्या इस कमेटी में हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो रिव्यू कमेटी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, रिव्यू कमेटी ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये किसके सानिध्य में हुई। अब देखो लाइब्रेरी कमेटी बनी थी, अध्यक्षता किसकी, रंगनाथन साहब की, तो
तो जो रिव्यू कमेटी हो जाएगी वो भी किसकी अध्यक्षता में हो जाएगी, रंगनाथन साहब की अध्यक्षता में ही हो जाएगी। दोस्तों ये यहाँ सन आप जरूर ईयर 1957 और 1961 ईयर से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो आप ईयर आप ध्यान में रखें इसका। फिर बात करें जैसे कोठारी आयोग, जो कोठारी शिक्षा आयोग हुआ था ये बड़ा फेमस था, कई बार इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1964 जो प्रोफेसर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में हुआ था एजुकेशन कमीशन, डीएस कोठारी। फिर इसके बाद बात करें 1983, ये हुआ था मल्होत्रा आयोग। देखो इनमें तो कोई याद रखने, इसमें थोड़ा सा शिक्षा आयोग किसके, डीएस कोठारी के सानिध्य में हुआ था अध्यक्षता में, मल्होत्रा आयोग। तो मल्होत्रा का आयोग तो क्या है, आरसी मल्होत्रा, सीधा नाम से पता चल रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1983 में जब भारत ने पहली बार विश्व कप जीता था, आप ऐसे ध्यान में रख लेना, तब क्या है आरसी मल्होत्रा कमेटी गठित हुई थी। फिर 1988 में कमेटी आई थी, कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी, किसके अध्यक्षता में, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। ये दोस्तों आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसमें कोई वो आप है नहीं कि हम छोड़, क्योंकि क्वेश्चन कई बार इसमें से पूछे जाते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरियन को क्या कर दिया था, आपस में नेटवर्क की सहायता से जोड़ दिया था, नेटवर्क की सहायता से जोड़ दिया, ताकि क्या, इन्होंने जो सिफारिशें दी थी उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ताकि क्या है जैसे मान लो रेफरेंस सर्विस है कोई, जो संसाधन सहभागिता से संबंधित चीज़ें हैं, रिसोर्सेज श्योरिंग शेयरिंग, संसाधन सहभागिता, तो इन चीज़ों का विकास किसके माध्यम से हो सकता है, ये हो सकता है दोस्तों जो नेटवर्क, अगर नेटवर्क से जुड़ी हुई होंगी लाइब्रेरियाँ तो ही वो क्या है रिसोर्सेज क्या 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 कर सकती हैं, आपस में शेयर कर सकती हैं। तो इसके बारे में जो कमेटी गठित हुई थी वो किसके अध्यक्षता में हुई थी, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित हुई थी। देखो संसाधन सहभागिता क्या है, आगे हम करेंगे और वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा आप देख लो इसको, संसाधन सहभागिता क्या है, दो या तीन लाइब्रेरी है, अगर ज़्यादा लाइब्रेरी हैं उन, अब देखो लाइब्रेरी में इतना बजट आता नहीं है, तो बजट नहीं आता तो क्या करती हैं लाइब्रेरियाँ, आपस में मिलकर कर लेती हैं कि हमें कौन सी किताबें खरीदनी है और कौन सी किताबें नहीं खरीदनी, तो वो क्या कर लेती हैं आपस में रजामंदी से किताबें खरीद लेती हैं, और अगर पाठक को कोई किताब उपलब्ध करवानी होती है तो वो क्या है दूसरी लाइब्रेरी से भी अगर उपलब्ध हो सकती है, ये क्या है संसाधन सहभागिता है, यानी आपने जो संसाधन है उनके पास उनकी सहभागिता, यानी एक दूसरे को सहयोग करना, वही संसाधन सहभागिता है। फिर करिकुलम डेवलपमेंट जो कमेटी थी ये हुई थी प्रोफेसर पीएन कोला की, करिकुलम किस में डेवलप किया गया, पुस्तकालय सूचना विज्ञान क्षेत्र में, यह प्रोफेसर पीएन कोला के 1990 में हुई थी ये। फिर है 2001 में यूजीसी मॉडल करिकुलम, देखो आप यू से वैसे भी ध्यान रखते हो, यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे, तो 20 और लगा दो, 2001 यानी 2001, यह किसके सानिध्य में हुई थी, जो अध्यक्षता डॉक्टर आर सी करेडी अप्पा, डॉक्टर आर सी करिशी डप्पा, ये इनकी अध्यक्षता में हुई थी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पुस्तकालय समितियाँ थी इनको थोड़ा आप ध्यान में रखना, कि हो सकता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ जाए, मतलब पक्का ही मानो आप क्वेश्चन इसमें से। फिर बात करें पुस्तकालय संगठन, देखो पुस्तकालय संगठन में किस किस प्रकार के पुस्तकालय का संगठन किया जा सकता है, इसमें थोड़ी सी हम बात करेंगे, ज़्यादा इसमें विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। देखो पुस्तकालय संगठन में जो पहली विधि आती है वो आती है इसमें पंक्ति विधि, यानी लाइन मेथड। लाइन मेथड मतलब जो सबसे ये छोटे पुस्तकालय के लिए उपयुक्त है, और साथ क्या है इसमें जो कर्मचारी होता है वो एक ही वरिष्ठ अधिकारी के प्रति क्या होता है उत्तरदायी होता है। जैसे यहाँ जैसे लोकल अथॉरिटीज़ की बात करें, लोकल अथॉरिटीज़ के नीचे कौन सी आ गई, जैसे पुस्तकालय मंडल समिति, और पुस्तकालय मंडल समिति के नीचे कौन सी आ गई, पुस्तकालय अध्यक्ष आ गया। लेकिन अब देखो इसके नीचे कौन आ गया, ये यानी इसके ऊपर एकाधिकार किसका है, इसका, इसके ऊपर इसका, उप पुस्तकालय अध्यक्ष के ऊपर किसका, लाइब्रेरियन का, सहायक जो है उसके ऊपर किसका, यानी हर अधिकारी के नीचे या हर आदमी जो अधिकारी है उसके ऊपर एक और अधिकारी दिया हुआ है, और वो क्या है उनके नीचे है। अब जैसे इनके बाहर आगे और बात करें, जैसे उप पुस्तकालय अध्यक्ष के नीचे आ जाएगा सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के नीचे की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएंगे, जो अन्य विभाग आ जाते हैं, जैसे हमारे अधिग्रहण विभाग, तकनीकी विभाग, फिर जैसे परिसंस्करण विभाग, सामयिकी विभाग, जो पीरियडिकल्स विभाग है, ये विभाग आ जाते हैं।
फिर विभाग के नीचे भी क्या है, जो लाइब्रेरियन असिस्टेंट जो LA आ जाते हैं, जो इसके बाद जो जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो ऐसे क्या है अधिकारों जो नीचे चलते रहते हैं, लेकिन हर एक कर्मचारी के ऊपर क्या रहता है, एक दूसरा अधिकारी रहता है, और ये क्या है एक ही अधिकारी के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो ये क्या है, इस जो संगठन है, जो पंक्ति संगठन, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसी कारण से इसको आप सैनिक संगठन भी कह सकते हो, या क्या कह सकते हो, शीर्ष संगठन भी कह सकते हो। फिर और अगर नामों की बात करें तो इसका क्या विभागीय संगठन भी इसको क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो। फिर बात करें हम अगर दूसरी विधि की, जो संगठन की दूसरी विधियां उनके बारे में, जैसे दूसरी विधि आती है जैसे पंक्ति एवं स्टाफ विधि, तो पंक्ति एवं स्टाफ विधि एक तरह से क्या है, जो पंक्ति विधि है इसी का एक तरह से क्या है, ये पूरक है। यहाँ जो पंक्ति है वो तो क्या शक्ति का शक्ति और शक्ति या अधिकार है, और जो स्टाफ है वो क्या है किससे संबंधित है, कर्मचारियों से संबंधित है। तो यहाँ जो स्टाफ अधिकारी या जो कर्मचारी वो क्या करते हैं, यहाँ तो कार्य करते हैं, कार्य के ऊपर विचार करना, निरीक्षण करना, संस्तुति करना, उसका प्रतिवेदन करना, समन्वय करना आदि कार्य कौन करते हैं, जो कार्य जो स्टाफ है वो ये काम करता है। और पंक्ति अधिकारी क्या करता है, यहाँ पंक्ति अधिकारी जो इन्होंने काम किए हैं उनको क्या करना, दूसरों से कार्य लेना, उसको कि इन्होंने जो बताया हमें कि कार्य विचार जो संस्तुति दी, इन्होंने प्रतिवेदन दिया, उसको दूसरों से कार्य लेना और संबंधित क्या है आदेश पारित करना, ये किसका आ जाता है, जो पंक्ति अधिकारी का आ जाता है। तो कोई इसमें खास अंतर है नहीं है। फिर जैसे तीसरे बात करें क्रियात्मक संगठन की, क्रियात्मक संगठन क्या है, अगर बहुत बड़ी जैसे लाइब्रेरी है तो उसमें क्या ये दोनों चीज़ें क्या नहीं रहती, प्रभावी नहीं रहती। अब देखो इस जो क्रियात्मक संगठन है इसमें क्या होता है, इस प्रकार से कार्य होता है कि उसे क्या कर दिया जाता है, विभक्त कर दिया जाता है। हर जैसे डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रकार से क्या कर दिया जाता है, विभक्त कर दिया जाता है, और उसका दायित्व किसको सौंप दिया जाता है, जो संबंधित स्टाफ है या उसका जो अधिकारी उच्च अधिकारी, उसको क्या कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अन्य जो कर्मचारी हैं, जैसे लाइब्रेरियन, जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इनका क्या होता है, काम हल्का हो जाता है और वो अन्य प्रशासनिक जो कार्य हैं उनको आसानी से देख सकते हैं। तो ये दोस्तों इसमें थी थोड़ी सी, जैसे अभी इसका आप देख सकते हो, सार्वजनिक सेवा विभाग में ये जो कार्य डाल दिए गए, तकनीकी विभाग में ये कार्य डाल दिए गए, भवन सामग्री लेखा अनुभाग या कर्मचारी अनुभाग, ये किसको दे दिए, प्रशासनिक अनुभाग को दे दिए। तो ये क्या क्रियात्मक संगठन इन्होंने क्या कर दिया था, बनाया। तो ये तीन प्रकार के संगठन हैं ये लागू होते हैं। इसके बाद बात करें जैसे राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली, दोस्तों ये कितना कोई खास काम की चीज़ नहीं है, आप देखना चाहो तो देख लेना इसको। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट जो आने वाले लाइब्रेरी के वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि वो आपको जो KVS और जो अधीनस्थ बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनमें हेल्पफुल आपके साबित हो सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।